नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भव्यदीप भाटिया और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। एक्चुअली एक सेंसिटिव इशू है ये और इसको लेके काफी कम बात एक्चुअली की गई है भारतवर्ष में। WHO की अभी एक स्टडी, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसके तहत 700 मिलियन लोगों में से एक, मतलब कह लीजिए कि एक 700 मिलियन लोगों के बीच में अब डिप्रेशन जो है आने वाले टाइम में एक ऐसी महामारी बनने वाला है। इस समय इतने मरीज बढ़ चुके हैं मानसिक रोगों के, जिसमें डिप्रेशन इज वन ऑफ द एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं और सफर कर रहे हैं। डिप्रेशन का मरीज जो होता है वो सफर अकेला करता है, तो उसको ये लगता है कि उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप यदि डिप्रेशन में हैं किसी कारण से तो आपको कोई मदद नहीं की जा सकती। मदद की जा सकती है, काउंसलिंग्स की जा सकती है, रास्ते हर चीज के होते हैं, रास्ते आपको ढूंढने पड़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स बता दूं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन के अंदर आदमी नेगेटिव फील करता है, अकेला फील करता है और असहाय महसूस करता है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उम्मीद जो है खो जाता है ऐसा व्यक्ति, और ये समझता है कि उसको किसी भी प्रकार से कोई समझ नहीं रहा है। जब डिप्रेशन बेसिकली रहता है उसमें आप डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। अगर आपके पास डायरेक्शन है दोस्तों जिंदगी के अंदर, तो आप कभी डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। तो ऑलवेज यू नो बी विद सम डायरेक्शन कि आपको जिंदगी के अंदर करना क्या है और पहुंचना कहाँ पे है। तो ये एक सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है कि करना क्या है इस डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए। और एक चीज आपसे शेयर करूंगा, डिप्रेशन का जो मरीज होता है बेसिकली उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है, कारण वो डाइजी हो जाता है और वो तरह से मौत से खेलने लगता है, विच इज नॉट गुड। एक्चुअली लाइफ के अंदर टाइप होती है कुछ लोगों की। डिप्रेशन में जाता कौन है? एक तो सेंसिटिव लोग जाते हैं, एक जिद्दी लोग जाते हैं और एक एग्रेसिव लोग भी अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने का कहीं ना कहीं एक कारण फेलियर भी जिंदगी में होता है। बट आप अगर फेल होते हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि आप उसी दिन जीत गए। ये एक और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फेल होना एक पहला सिम्टम है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब अब जीत नजदीक है और आप जीतने वाले हैं। तो घबराना नहीं है फेलियर से कभी भी, हो सके तो अपनी सिचुएशन को समझना है। अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को भी अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, केवल सुन के रह जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। डिप्रेशन से बाहर आना है, मेरा एक फेसबुक का पेज भी है एंटी डिप्रेशन के नाम से, जिसके ऊपर अलग अलग पॉजिटिव कोट्स हम फ्लोट करते रहते हैं। इसके अलावा और आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं डिप्रेशन से बाहर आने का। आपको करना क्या है कि आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने के लिए, या तो अगर आप कुछ चीजें सुनना पसंद करते हैं तो पॉजिटिव सुनना शुरू कर दीजिए, और अगर आप पॉजिटिव देखना पसंद करते हैं तो पॉजिटिव देखना शुरू कर दीजिए, और हो सके तो मीडिया से यानी कि न्यूज चैनल्स वगैरह से इनसे जितना हो सके दूर रहें। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट, अगर आपका, आप सारे दिन टीवी पर बैठे रहेंगे और आपको पता है मीडिया के ऊपर जो हमारा आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पर कभी भी आप देखेंगे कि पॉजिटिव चीजें नहीं चल रही होती। एक बहुत मेजर कारण है हमारी सोसाइटी के अंदर कि बच्चे डायरेक्शन लेस हो रहे हैं। और मैं बच्चों के बीच में भी स्टूडेंट्स जो कैटेगरी है हमारी, इनको भी मैं एक सलाह और दूंगा, एक और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी के साथ, कि अपनी प्रिपरेशन या अपना जो आपका टारगेट है वो टारगेट बड़ा होगा, अक्सर बड़ा ही होता है, सिलेबस कभी छोटा नहीं होता लाइफ में। तो आपको करना क्या है कि छोटे 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 टुकड़ों के अंदर अपने सिलेबस को बढ़ दो। और डिप्रेशन के केस में तो घबराहट होती है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, टारगेट को तोड़ तोड़ के उसको छोटा कर देना कि एक दिन में क्या अचीव करना उसी को देखना, और जो बड़ा अचीव करना उसकी तरफ सोचना नहीं है। और यही असूल जिंदगी में भी लागू होता है दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ध्यान से एक एक करके अगर ब्रेक करते जाएंगे, तो आप पाएंगे कि ये डिप्रेशन आपके हाथ पास से यूं निकल गया। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, चलो मैं मानता हूं कि कई बार वक्त भी खराब होता है। मैं जैसे कि बताता हूँ कि आई एम ए क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, तो आप जब भी चाहें काउंसलिंग के लिए मुझसे मिल सकते हैं। 9919108039 ये मेरे ऑफिस का नंबर है, और आप इस नंबर पर संपर्क करके यदि आप किसी तरह का डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो आप उसको तुरंत ट्रीट कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डिप्रेशन से लड़िए,
जिंदगी पॉजिटिविटी का नाम है। जिंदगी अगर आप ऐसे ही बिता देंगे तो एक्चुअली पता है क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ना। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, फर्क सिर्फ आप ही को पड़ना है। अगर आपको ये बात आज समझ आ जाएगी तो ये पूरा वीडियो समझ आ जाएगा। यही मेरा आज आपसे लोगों से डायरेक्ट बात करने का एक ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैं चाहता हूं कि जो भी लोग डिप्रेशन में हैं या डायरेक्शन लेस हैं, जिनके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है और बिजी नहीं रहते हैं, तो अपने आप को एक डायरेक्शन देकर उसमें बिजी कर दो। पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव बोलो और पॉजिटिव देखो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी शुड बी अराउंड यू। तो दोस्तों, मेरे जितने भी सजेशंस आपको मैंने दिए हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। फिर भी आपको यदि दिक्कत आ गई है, आप किसी तरह से नहीं संभल पा रहे हैं, तो मुझे कॉल कीजिए, और हो सके तो इस डिप्रेशन से लड़िए और इससे बाहर आइए, ताकि आप अच्छी सी जिंदगी जी सके। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।